वेल दोस्तों, आप लोगों के इतने सारे सवाल आ रहे थे एंड्रॉयड 15 के रिगार्डिंग, तो फाइनली दोस्तों आज है 15th ऑफ फरवरी, आज से ऑफिशियली जाकर के एंड्रॉयड 15 का डेवलपर प्रीव्यू वर्जन जो है ना अवेलेबल है। अगर आप लोग इंस्टॉल करना चाहते हो तो वो सभी इंस्टॉल कर सकते हैं। बट हाँ, आपने जितने सारे सवाल वगैरह पूछे हैं तो इसके फीचर्स के रिगार्डिंग जो है ना आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बट मैं आपको एक एक फीचर जो है ना डेवलपर प्रीव्यू में अवेलेबल है। एंड अंडरस्टैंड गाइस, ये डेवलपर प्रीव्यू है, इसका जो स्टेबल वर्जन है वो करीबन आपको जो ना सितंबर या जून के महीने में देखने को मिलेगा, जो कि काफी वक्त है। बट आज के टाइम में बहुत सारे जो फीचर्स है जो कि मेन स्टेबल वर्जन में हमें देखने को मिलेगा, उसका बीटा तौर पे यहां पे जो ना अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि क्या क्या फीचर्स अपडेट हमें एंड्रॉइड 15 के ओएस में मिलने वाला है। सबसे पहले दोस्तों, जो भी फोन वगैरह सबसे पहले इसमें लॉन्च होगा वो है पिक्सल 8 एंड 8 प्रो, पिक्सल के फोल्ड, पिक्सल के टैबलेट और पिक्सल के 7 एंड 6 सीरीज पे सबसे पहले, क्योंकि गूगल का एंड्रॉइड है और सबसे पहले अपने पिक्सल फोर्स में जो पुश करता है। एंड अगेन दोस्तों, आपको जो ना सेप्टेम्बर 2024 तक आपको जो ना वेट करना होगा इसका एक्सपीरियंस लेने के लिए। बाकी बीटा वर्जन अवेलेबल है, प्रीव्यू वगैरह आप कर सकते हो। बाकी फीचर्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों, हमारे जो ईस्टर एग है यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले जो ना सर्कल वाला था, अब यहाँ पे ट्राइंगल वाला ईस्टर एग आएगा एंड साथ में बैकग्राउंड में जाकर के स्टार्स थोड़े मूविंग के आएंगे। बट हाँ, दिस इज नॉट अ फीचर, बट हाँ, ईस्टर एग मतलब अंदर का माल हमेशा रहता है, तो ईस्टर एग इज वेरी स्पेशल हो जाता है एंड्रॉइड के फीचर्स में। बट हाँ, जो मेन फीचर्स है, अब देखो जो लॉक स्क्रीन है वहां पे जो ना विजेट्स का इस्तेमाल होने वाला है, नए नए विजेट्स वगैरह ऐड होगा आपका, क्लॉक्स ही नहीं बट साथ में आप एडिशनल एप्लीकेशंस वगैरह को एज अ विजेट आप यूज कर पाओगे। बट हाँ, कितनी एप्लीकेशंस वगैरह सपोर्ट होगा ये सब कोई पता नहीं। बट इनफैक्ट अगर कहा जाए तो ये एंड्रॉयड 4.2 यानी कि जेली बीन आज से करीबन 7-8 साल पहले जब आया था उस टाइम में फीचर अवेलेबल था, बट पता नहीं गूगल ने इसको रिमूव कर दिया था। बट अभी ये है डेवलपर प्रीव्यू में, इसको फिर से लाया जा रहा है एंड देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। एंड जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस टाइप का आपको जो ना विजेट्स वगैरह देखने को मिलेगा। एंड इसी के साथ में आपको जो ना एंड्रॉइड 15 के साथ में अपने ऐप पेयर्स को आप सेव कर पाओगे। हाँ दोस्तों, जो भी फोल्डेबल डिवाइसेस है या फिर लार्ज स्क्रीन डिवाइसेस है, मल्टी एप्स वगैरह जब यूज करोगे तो आप जो ना उसको ऐप पेयर्स को सेव कर पाओगे। यानी फ्यूचर में अगर आप मल्टीपल टास्क एक साथ यूज करना चाहते हो तो बार बार आपको एप्लीकेशन को ओपन नहीं करना पड़ेगा, पेयर ऐप में क्लिक करो, दोनों एप्लीकेशन एक ही साथ में रन होने लगेगा, जो कि काफी कमाल का फीचर एक्सपीरियंस हो जाता है जो स्पेशली मल्टी टास्किंग वगैरह फोन पे करना चाहते हैं। इसके साथ में दोस्तों, यहाँ पे जो है ना एक और प्रीसेट का एड ऑन किया जा रहा है जिसको कहा जा रहा है इजी प्रीसेट। एंड ये क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे जो है ना कुछ प्रीसेट्स वगैरह अवेलेबल रहेगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आपको जो है ना, एंड यहाँ पे जो है ना आपको कुछ फीचर्स वगैरह जैसे कि थोड़े डिजाइन्स वगैरह में चेंजेस हो जाए, आइकॉन्स वगैरह थोड़े बड़े हो जाए, कलर्स वगैरह थोड़ा एनहेंस हो जाएगा और स्पेशली जो टेक्स्ट वगैरह थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जिनको थोड़ा यूज़ करने में तकलीफ आता है, छोटे अक्षरों में पढ़ने में दिक्कत आता है, स्पेशली जिनका आई में प्रॉब्लम है या फिर बुजुर्ग वगैरह है, तो उनको यूज़ करने के लिए ईजी प्रीसेट वगैरह यूज़ करा जा रहा है, जो कि देखते हैं जब आएगा फीचर्स वगैरह हम डेफिनेटली आपको इसके बारे में बताएंगे दोस्तों। एंड इसके साथ में यहाँ पे अब नेटिव ऐप आर्काइव का ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड्रॉइड 15 में, एंड ये जब एक्चुअली में आएगा तभी इसका यूज केस पता चल जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों, जो एप्लीकेशंस है, अब क्या होता है कि अभी तक में जितने भी एप्लीकेशंस है, कुछ एप्लीकेशन तो फुल स्क्रीन को सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो एंड्रॉइड 15 में बाय डिफॉल्ट जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो पूरा स्क्रीन जो है ना कवर अप होगा। इनफैक्ट जो नीचे के जो बार है ना दोस्तों, वहां पे भी जो टेक्स्ट है या फिर अपना जो कंटेंट देख रहे हैं वो भी वहां पे जाएगा, जैसे कि यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर में आप देख रहे हो। ये मतलब थोड़ा सा इमर्सिव एक्सपीरियंस देना चाहता है ओवरऑल फोन को, जब आप यूज करते हो मल्टीपल केसेस में, जैसे रीडिंग हो जाए, ऐप यूटिलाइजेशन हो जाए, ओके आप समझ सकते हो। साथ में दोस्तों, यहाँ पे जो है ना एक और नया प्राइवेट स्पेस, जो कि सबसे बड़ा अपडेट है डेवलपर प्रीव्यू में, इसको ऐड करा जाएगा। एंड इसके अंदर में जो है जो भी अपने प्राइवेट चीजें आप रख सकते हो, अपने ऐप्स को रख सकते हो, अपने डेटा को रख सकते हो, आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अपने डेटा को सेफ रखने के लिए, अगर किसी को चाहते हो कि नहीं पता चले आपके फोन में और क्या क्या एप्लीकेशन और डेटा है, तो एक प्राइवेट स्पेस काफी अच्छा फीचर हो सकता है। एंड कुछ इस टाइप का आपको जो है ना पूरा यूआई या फिर लेआउट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके साथ में दोस्तों, जो
बैटरी के डिपार्टमेंट में ना यहाँ पे काम करा गया, यहाँ पे क्या होगा ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है ना एक्सपीरियंस में जाकर के ऑप्टिमाइज करा जा रहा है, एंड इसी के साथ में जो बैटरी हेल्थ है या फिर जेन्यून बैटरी लगा है कि नहीं, जैसे कि आईफोन्स वगैरह में दिखाया जाता है, वो अब हमें नेटिव आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा, विच इज रियली गुड थिंग। आई थिंक एंड्रॉइड को जो ना बहुत पहले इस काम को कर देना चाहिए, बट हाँ दे रहा है कोई बात नहीं, अब जाकर के हमारे 15th में जाकर के अवेलेबल है। इसी के साथ में दोस्तों एक और ब्लूटूथ में छोटा सा अपडेट करा जा रहा है, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो एक पॉपअप विंडो ओपन होगा, जिससे क्या होगा थोड़ा सा मतलब इजी कस्टमाइजेशन या फिर इजी यूटिलाइजेशन हो जाएगा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी डिवाइसेस में। एंड साथ में फाइनली दोस्तों आपको जो है ना जैसे TWS वगैरह यूज करते हो, जैसे यहाँ पे स्क्रीन वगैरह देख सकते हो, यहाँ पे जो है ना लेफ्ट एंड राइट के दोनों चैनल्स के आपको जो है ना बैटरी परसेंटेज वगैरह दिखाया जाएगा, विच इज गुड। आई थिंक इट्स अ गुड एक्चुअली एज फीचर रहना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ में दोस्तों जो ब्लूटूथ में जो है ना एक और नया चीज को ऐड करा जा रहा है, बेसिकली NFC और ब्लूटूथ में इंक्लूड करा जा रहा है। आप देखो ये जो है ना इनका कॉन्सेप्ट अब एक्चुअल में होगा कि नहीं ये पता नहीं, बट हाँ दिस इज समथिंग दे आर वर्किंग अराउंड, कि जैसे वाईफाई में होता है मल्टीपल डिवाइसेस इजिली कनेक्ट हो जाता है, कभी काल ब्लूटूथ में जो है ना वो चीजें नहीं कर पाते एंड मल्टीपल डिवाइसेस का सपोर्ट नहीं मिलता, तो आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे जो ना मल्टीपल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होस्ट करने के लिए इस फीचर को इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, एंड जब ये आएगा उसके बाद में पता चलेगा। इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पे जैसा देख रहे हो इसमें अब इनबिल्ट फिशिंग प्रोटेक्शन आएगा, जिससे क्या होगा फिशिंग हो जाए, स्कैम्स हो जाए, यू नो इनवैलिड लिंक्स हो जाए या फिर स्कैमर्स वाले लिंक्स जब आपके फोन में आ जाएगा तो फोन खुद ही उसको डिटेक्ट कर देगा, एंड बेसिकली ये सब AI का इस्तेमाल वगैरह से हो सकता है, तो बेसिकली डिटेक्ट करके आपको स्कैम होने से बचा सकता है। तो ये सब जो है ना इतने सारे फीचर्स वगैरह है दोस्तों, एंड बाकी जो है ना कुछ और भी अपडेट्स है, जैसे कि क्या फीचर्स जो है ना एंड्रॉइड 15 या फिर एंड्रॉइड 16 वगैरह में लाना चाहिए जिसको गूगल ने ऑलरेडी डिच कर चुका है, बाकी वो वाली वीडियो आपको चाहिए तो जल्दी से यहाँ पे 100 लाइक्स कंप्लीट करा दो एंड वो वाली वीडियो आपको मिल जाएंगे। बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड कॉमेंट सेक्शन में आपको कौन सा बेहतर फीचर लगा एंड्रॉइड 15 का मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय।